गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने जाना था बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपको सिर्फ बताया गया था, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको भी बताए थे कि आपको कैसे उसको करना है। तो कैसे किया जाता है उसको हम दूसरे क्वेश्चन में भी जानेंगे कि कैसे उस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था और आपको ये भी बताया गया था कि जो भी आपका आंसर आता है अपने नाम के साथ और क्लास के साथ और आपका जो आंसर आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। लेकिन कुछ ही लोगों का कमेंट आया है और कुछ लोगों का नहीं आया है, तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे लगाएंगे। और जिनका जिनका भी आपका क्वेश्चन का आंसर सही है वो अपना ध्यान से देख लेंगे कि किसका सही है किसका नहीं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जो भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसको कुछ स्पेस दे करके आप दूर दूर ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद से आपको ये भी बताया गया था कि उसके आप पावर लगाते हैं, पावर आप 0 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए 0, 1, 2, 3, 4। ये आपको बताने से पहले एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ही डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ उस ट्रिक को हम कैसे फॉलो करें कि डायरेक्ट आंसर इसका आ जाए। तो उसका वीडियो में अगले वीडियो में बताऊँ। यहाँ पे आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये आपका पावर लिख दिए 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। अब उसके बाद से हम आपको बताए थे बाइनरी से आपका डेसिमल में कन्वर्ट करना, इसका बेस आपका क्या दिया हुआ, बेस बाइनरी का क्या होता है 2 होता है, उसके बाद से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपका लास्ट का है। लेकिन अभी हम कन्वर्ट क्या कर रहे हैं, बाइनरी का। तो यहाँ पे हम बाइनरी लिख देंगे, बाइनरी का जो नंबर है 2 लिख देंगे। अगर इसको आप नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं, आप अपने मन में इसको नोट कर लें। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, आप यहाँ पे नोट कर लिए। अब इन दोनों नंबरों के बीच में आपको बताया गया था इन दोनों नंबरों के बीच में आपका प्लस होगा और जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जो आपका पावर का नंबर दिया हुआ। यहाँ पे इस नंबर को हम लिख लेते हैं, उसके बाद से जो पावर दिया उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों नंबर के बीच में हम प्लस करेंगे। इस तरह से हम इसको हम पहला क्वेश्चन जिस तरह से हम लिखे हैं 1 × 2⁴ जो आपका लिखा हुआ है बेस के और आपका जो पावर लिखा हुआ है, इस तरह से हम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब बढ़ने के बाद से इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आपको कुछ नोट यहाँ साइड में दिखाया हुआ था कि यहाँ पे बाइनरी में अगर 2⁴ अगर 0 आता है तो उसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और उसके बाद से 0⁴ अगर रहता है तो उसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं, 0 लिख देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे 2⁴ अगर 4 रहता है तो इसका आपको स्क्वायर रूट पता होगा कि इस तरह से हम निकाल सकते हैं 16। 2 × 2 × 2 × 2 इस तरह से हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 × 2 = 4 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, 8 में करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अगर आपको इसको याद होगा तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 16। उसके बाद से यहाँ पे 2 पे देख रहे हैं 3⁴ है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 दिया हुआ है और यहाँ पे 2⁴ है, तो आपको बताया गया है कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, 0 लिखेंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे 1 दिया हुआ है मल्टीप्लाई 2⁴, 2⁴ है तो 2 का गुणा एक ही बार होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, और 2 का अगर मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तब भी हमारा क्या आता है, 2 आता है। अब उसके बाद से प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 × 2⁴ हम यहाँ पे आपको नोट बताए ये थे कि यहाँ पे 2 अगर पावर 0 रहता है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2⁴ के स्थान पे
2 पे पावर 0 के स्थान पे 1 हो जाएगा, और इसका अगर मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 1, इस तरह से आपका आ जाएगा। अब इसको आप जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ने के बाद से यहाँ से आप इन सभी को जोड़ेंगे, 0 आपको जोड़ना नहीं है। यहाँ पे आप जोड़ेंगे 16, 8 क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा, 0 आपको जोड़ना नहीं है, 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा 24, 3 आपका 27, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यह आंसर मान्य नहीं होगा जब तक आप क्या करते हैं, इसका बेस आपका जो दिया हुआ है 10, जिसमें आपका कन्वर्ट करना है, जो आपको निकालना है, बाइनरी से आपको जो भी निकालना रहे, ऑक्टल निकालना रहे या फिर आपका हेक्साडेसिमल निकालना रहे, जब तक आप इसका बेस नहीं यहाँ पे लिखते हैं तब तक आपका आंसर पूरा क्लियर नहीं होगा और ये आपका आंसर सही भी नहीं। इस तरह से हम जाने क्वेश्चन नंबर 2 और आपको क्वेश्चन नंबर 3 अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।